हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यम्मी डिलीशियस डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है ब्रेड मलाई ट्रायंगल, जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। आप इसे किसी भी पार्टी में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। जो भी खाएगा ना, वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिलीशियस से डिज़र्ट को बनाना। सबसे पहले हम ले लेंगे पैन, इसमें हम डाल देंगे दूध। तो यहाँ पर मैं 2 कप दूध ले रही हूँ, और ये मैंने बफेलो मिल्क लिया है, फुल क्रीम मिल्क है। तो 2 कप दूध में से 1/4 कप दूध जो है वो हम बचा लेंगे, उसे अलग कर लेंगे, और इसे हम रख देंगे बॉयल होने के लिए मीडियम फ्लेम पर। और जब तक दूध बॉयल हो रहा है, तब तक इस दूध में हम डाल देंगे 2 छोटे चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे, इसे साइड में रख दें। यहाँ पर ये देखिए, दूध में भी बॉयल आ गया है, तो गैस का फ्लेम लो पे कर देंगे और इसे हम जल्दी से कर देंगे मिक्स। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून शुगर। आप मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1-2 चम्मच, इतनी बिल्कुल परफेक्ट होती है। और इसे हम पकाएंगे जब तक कि जो चीनी है वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। गैस का फ्लेम हम मीडियम पे कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर करके आप इसे जल्दी से बॉईल कर लें, जिससे कि जो चीनी है वो जल्दी से घुल जाएगी। तो यहाँ पर जो चीनी है वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड का मिक्सचर। इसे ऐड करने से पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें, क्योंकि जो कस्टर्ड पाउडर है वो नीचे बैठ जाता है। तो इसे हम इसमें डाल देंगे, जो थोड़ा बहुत लगा है वो भी हम निकाल लेंगे दूध डालकर, और इसे हम जल्दी जल्दी से करेंगे मिक्स। और इस टाइम पे मैंने गैस का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम के बीच में रखा हुआ है, और इसे हमें पकाना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है, जितना हम कस्टर्ड में करते हैं, बस हल्का सा इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। इस तरह से आप इसे चलाते हुए पका लें। तो ये देखिए, यहाँ पे इसे बॉईल करते हुए मुझे 2 मिनट हो गया है। 1-2 मिनट के लिए हम इसे और पका लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे टोटल 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे खड़े होकर बॉईल कर लिया है। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ बादाम और पिस्ता लिया है, आप चाहें तो काजू, बादाम, कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हरी इलायची पाउडर 1/8 टीस्पून, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। साइड साइड में जो भी मलाई लगी हुई है उसे भी हम इसमें मिला देंगे, इस तरह से निकाल कर। इससे बहुत ही मलाईदार, एक बिल्कुल रबड़ी वाला टेक्सचर यहाँ पर आ जाता है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो ये देखिए, इतना थिक मैंने कि आप देख सकते हैं कि ये स्पून को हल्का हल्का सा कोट कर रहा है। बहुत ज़्यादा थिक हमें नहीं करना है, क्योंकि इसे हम रखेंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए, तो ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। इसके बाद हम एक बोल में ले लेंगे 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी, और 2 छोटे चम्मच ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे ना ऐड करें, और है तो ऐड कर दें। और इसके बाद इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई। ये देखिए, 2 बड़े चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे, सिर्फ मलाई आपको ऐड करना है, दूध नहीं ऐड करना है। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम साइड में रखेंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो इसे अब हम रख देंगे साइड में। और यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं, और सबसे पहले हम इसके एजेस को कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप इसके एजेस को, जो ब्राउन वाला पार्ट है, उसे कट करके निकाल दें। और इन सारे ब्रेड के एजेस को आपको फेंकना नहीं है, इसे आप मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लें, और हल्का सा पैन में ड्राई रोस्ट कर लें, और फिर आपका ये जो ब्रेड क्रम्स है वो रेडी हो जाएगा। तो इसे आपको फेंकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं कि ये वेस्ट होगा। फिर देखिए, इस तरीके से हम सारे ब्रेड के एजेस को कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, अब हम लेंगे 1 ब्रेड स्लाइस, और उस पर हम ये लगा देंगे मलाई वाला मिक्सचर, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। तो इसे जो हमारा ब्रेड है वो अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, ऐसा नहीं है कि अंदर से आपको जो ब्रेड है वो फीका फीका सा लगेगा। तो यहाँ पर इसे अच्छे से हम इस पर लगा देंगे, स्प्रेड कर देंगे पूरा। ये देखिए, मैंने अच्छे से लगा दिया है ब्रेड के ऊपर। और अब दूसरे ब्रेड स्लाइस से हम इसे इस तरह से कवर कर देंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये दोनों आपस में स्टिक हो जाएँ। ये देखिए, इस तरीके से। और दूसरा भी हम बना लेंगे,
तो तीनों को इसी तरह से हम बना लेंगे। और अब मैं यहाँ पर इसे ट्रायंगल पीसेस में कट कर रही हूँ। यू कैन ऑल्सो कट इन टू स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें एक ट्रायंगल पीस मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम ये दोनों भी कट कर लेते हैं। और अब हम एक प्लेट ले लेंगे या फिर आप कोई सा भी ट्रे ले सकते हैं जिसमें भी आपको इसे सर्व करना है। और इस तरह से हम सारे ट्रायंगल पीसेस को इसमें अरेंज कर देंगे। और आप चाहे तो कस्टर्ड मिल्क को फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं, और जब आपको सर्व करना हो तो उस ठंडे ठंडे कस्टर्ड मिल्क को इस ब्रेड के ऊपर डाल के सर्व करें। लेकिन मैंने अभी इसे फ्रिज में रख के ठंडा नहीं किया है, मैं इसे ब्रेड पर डालने के बाद फ्रिज में रख के ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं इसे सर्व करने वाली हूँ। तो आप चाहे तो किसी भी तरह से कर सकते हैं। और इसे लास्ट में हम गार्निश कर देंगे थोड़े से स्लाइस किए हुए पिस्ता और आलमंड से। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस यम्मी ब्रेड मलाई ट्रायंगल बनके रेडी हो गया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्रस्ट में ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। बहुत ही कम चीज़ों से बना है, तो आप भी इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।